मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर ब्रायन को देखते हैं। वो एक स्ट्रगलिंग राइटर था। वो एक दिन रास्ते से जा रहा था और उसे एक ब्यूटीफुल सी लड़की दिखती है। उसके साथ रुककर बात करने लगता है। वो लड़की एक्चुअल में फ्रेंच थी और फ्रेंच में उससे बात कर रही थी। ब्रायन को फ्रेंच उतनी अच्छी आती नहीं थी तो उसे इंग्लिश में कंटिन्यू करने के लिए कहता है। ब्रायन ने उससे उसका नाम पूछा। उसका नाम था एरियल। ये नाम सुनकर ब्रायन कहता है कि इसका मतलब तो लिटिल मरमेड होता है। एरियल ने पूछा कि वो क्या है। ब्रायन उसे कहता है कि डिज्नी का कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर बहुत ही क्यूट है और वो सी में रहती है। इन दोनों में यहाँ पर बहुत ही अच्छी बातें हुई थी। एरियल उसे पूछती है क्या हम दोनों को रोज मिलना चाहिए। इस पर ब्रायन ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एरियल फिर उसे कहती है कि हम दोनों हर फ्राइडे को यहाँ पर मिल सकते हैं। उन्होंने फिर से मिलने का प्लान बनाया। ब्रायन इस मूवमेंट की वजह से बहुत ही खुश था। नेक्स्ट सीन में ब्रायन अपने डैड से फोन पर बात कर रहा था। वो अपने डैड को अपने काम के बारे में बताता है पर उसके डैड उसे लॉ स्कूल फिर से वापस जाने के लिए समझा रहे थे। राइटर की तरह ब्रायन का स्ट्रगल करना है उन्हें अच्छा नहीं लगता था। ब्रायन अपने डैड की नहीं मानता था। इसके बाद फ्राइडे आता है और ब्रायन एरियल से मिलने के लिए जाता है। थोड़ी देर में वो वहां पर आके एरियल उसे कहती है तुम तो सचमुच में आके, मुझे लगा था कि बारिश है इस वजह से शायद तुम नहीं आओगे। ब्रायन तो उसे मिलने के लिए आने ही वाला था। वो ब्रायन से पूछती है कि तुम काम क्या करते हो। ब्रायन अपने राइटिंग के बारे में उसे कहता है। एरियल ने पूछा कि क्या तुमने अब तक कुछ भी पब्लिश किया है। ब्रायन कहता है कि अभी मैं लिख रहा हूँ और आगे चलकर वो पब्लिश होगा। एरियल पूछती है तुम्हारी स्टोरी किस बारे में है। उसे कुछ टॉपिक्स बताता है। इसके बाद उसकी एज पूछती है। ब्रायन अपनी एज उसे 24 बताता है। एरियल ने उसे कहा कि अब तुम जो चाहो वो मुझसे पूछ सकते हो। ब्रायन भी उसके प्रोफेशन के बारे में पूछता है। एरियल उसे कहती है कि पहले मैं मॉडलिंग किया करती थी पर 8 साल पहले मैंने सब कुछ छोड़ दिया। उन दोनों ने बहुत सारी बातें की तभी एरियल के जाने का टाइम हो गया था। ब्रायन उसे नेक्स्ट फ्राइडे मिलने के लिए कहता है। एरियल उसे कहती है कि वीकडे पर 5 से 7 बजे तक वो फ्री रहती है, उसे 5 बजे मिल सकता है। इसके बाद दोनों मंडे को 5 बजे मिलने का प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट दिन में मंडे पर वो दोनों मिल जाते हैं। वो एक आर्ट म्यूजियम देखने के लिए गए। ब्रायन को यहाँ पर बहुत ही बोर हो रहा था पर एरियल यहाँ पर थी तो उसे यही पर रुकना था। इसके बाद रास्ते से जाते वक्त एरियल ब्रायन को बताती है कि वो ऑलरेडी मैरिड है। ये सुनकर ब्रायन सरप्राइज हो जाता है। उसे अपने बारे में और बताने लग गए। ब्रायन उसे पूछता है कि क्या तुम्हें बच्चे भी है। वो कहती है कि मुझे 2 बच्चे है। एरियल ने उसे उनकी फोटो दिखाई। थोड़ी देर के बाद वो जाने वाली थी। उसे पता था कि अब शायद ब्रायन उसे कभी भी नहीं मिलेगा। 3 वीक्स के बाद फ्राइडे को ब्रायन उसे दोबारा मिलने के लिए आता है। उसे देखकर वो बहुत ही खुश थी। उसे कहती कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मुझसे मिलने के लिए तुमने 3 वीक्स बर्बाद कर दिया। ब्रायन उसे इस चीज के लिए सॉरी कहता है। उसने पूछा कि अब हम दोनों क्या करें। एरियल उसे 5 बजे एक होटल पर मिलने के लिए बुलाती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों निकल जाते हैं। वो दोनों मिले और इंटीमेट होने लग गए। पर इसी के बीच एरियल को कुछ याद आता है, कुछ इंपॉर्टेंट काम था और इस वजह से उसे जाना पड़ता है। वो आज जिस टाइम पर मिले थे उसी टाइम पर कल इसी होटल में मिलने का वो प्लान बनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों रोज मिलने लग गए थे। वो साथ में मूवीज देखने के लिए जाते, अलग अलग प्लेसेस घूमते हैं। वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अपने फ्री टाइम में ब्रायन फ्रेंच कल्चर के बारे में जानने के लिए टीवी देखता था। एक दिन वो लेक में अपने टॉय बोट से रेस भी लगाते हैं। इसके बाद एक दिन वो दोनों इंटीमेट हो गए। एक दिन ब्रायन हॉट डॉग खाते हुए रस्ते से जा रहा था तभी उसके पास एक गाड़ी आकर रुक गई। उसमें जो आदमी था उसे कहता है कि गाड़ी में अंदर बैठ जा। ब्रायन इस बात से सरप्राइज था पर फिर भी वो गाड़ी में बैठ जाता है। ब्रायन को कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि उस आदमी को उसने कभी भी देखा नहीं था। वो आदमी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। उसका नाम था वैलरी और वो एरियल का हस्बैंड था। वो दोनों हाथ मिलाते हैं और वैलरी ब्रायन से कहता है कि उसने उसके बारे में बहुत सुना है। एरियल हमेशा उसके बारे में बात करती रहती है कि वो बहुत ही अच्छा है, काइंड है, टैलेंटेड है। उसने कभी एरियल की आंखों में इतनी चमक नहीं देखी थी। इसी वजह से वैलरी ने सोचा था कि एक बार वो ब्रायन से मिल ले। ये सुनकर ब्रायन जरा सरप्राइज था कि एरियल ने अपने हस्बैंड को उसके बारे में बातें क्यों बताई। वैलरी उसे अपने घर पर इनवाइट करता है, उसे 7:30 को मिलने के लिए बुलाता है। ब्रायन इस बात के लिए उसे हाँ कहता है। नेक्स्ट सीन में हम ब्रायन और एरियल को साथ में देखते हैं। ब्रायन उसे ये सब बता देता है, कहता है कि तुमने मेरे बारे में तुम्हारे हस्बैंड को क्यों बताया। एरियल कहती है कि उसे इस सब बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसे कहती है कि सैटरडे की नाइट ऑसम होगी पर ब्रायन को ऐसा लग नहीं रहा था। अब इसके बाद डिनर की रात आती है। ब्रायन वहां पर पहुंच जाता है। वो ऑलरेडी बहुत ही नर्वस था और डरा हुआ भी। वो अंदर जाता है और एरियल का बेटा उसका कोट लेता है। इसके बाद वो एरियल की बेटी से भी मिलता है जो उसे वेलकम करती है। वैलरी फिर उसे अंदर लेकर जाता है जहां पर बहुत सारे बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। वो एक एक को अपना इंट्रोडक्शन देता है। वह एक लड़की थी जिसका नाम था जेन। वो एक एडिटर थी, उसे उसकी बुक पब्लिश करने में हेल्प कर सकती थी।
थोड़ी देर में वहां पर एरियल आती है और सब लोगों को डिनर पर चलने के लिए कहती है। डिनर टेबल पर सब लोग बात कर रहे थे और ब्रायन अब जरा कंफर्टेबल लग रहा था। वो दोनों पार्टी में सिर्फ एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। पार्टी के बाद जेन और ब्रायन एक ही टैक्सी में जाते हैं। एक्चुअली जेन और वैलरी पहले एक साल के लिए रिलेशनशिप में थे। कैब में ब्रायन जेन से पूछता है कि मेरा काम कैसा है। जेन को उसकी राइटिंग पसंद आई थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एरियल और ब्रायन को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां पर ब्रायन की मॉम एरियल से मिलने के लिए आई थी। ब्रायन ने अपने डैड के बारे में पूछा तो उसकी मदर कहती है कि वो पार्किंग कर रहे हैं। इसके बाद वो तीनों बात करते हैं। उसकी मदर की बैग में जरा प्रॉब्लम थी, इसलिए वो वेटर को बुलाकर एक कंफर्टेबल चेयर मंगवाती है, पर वहां पर कोई भी चेयर नहीं थी, इसलिए वो खड़ी ही हो जाती है। थोड़ी देर में वहां पर ब्रायन के डैड आए, जो एरियल से मिलते हैं। डैड एरियल के बारे में पूछते हैं तो एरियल बताती कि मैं 33 ईयर ओल्ड हूँ, वो मैरिड है और उसके दो बच्चे भी है। ये सुनकर ब्रायन की मदर चेयर पर बैठ जाती है और वो दोनों बहुत ही सरप्राइज थे। साइड में लेकर ब्रायन के डैड उसे समझाने लग गए, कहते कि तुम जो कर रहे हो सही नहीं है। डैड ब्रायन को कुछ भी बोलने नहीं देते और पुरानी बातें करने लगते हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने फ्रेंड से जीत हासिल की थी। ये उसे समझाने के बाद उसे कहते कि आई होप कि तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा। दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। उसके डैड फिर से उसे एक बार ये सब छोड़ने के लिए कहते हैं। पीछे से बहुत जोर से हंसने की आवाज आती है। ब्रायन की मॉम को एरियल बहुत ही अच्छी लगी थी। इसके बाद उसके डैड और मॉम वहां से चले गए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बहुत सारा टाइम एक साथ बिताते हैं। एक दिन वैलरी और एरियल को बाहर जाना था। उनके बच्चों की बेबीसिटर बीमार थी, इस वजह से उनका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं था। अब इस तरीके से अकेला बच्चों को घर पर छोड़कर नहीं जा सकते, इसलिए एरियल ब्रायन को कॉल करती है। ब्रायन बच्चों को पार्क में बेसबॉल खिलाने के लिए लेकर आया था। दोनों बच्चे बहुत ही खुश थे। यह एरियल का बेटा ब्रायन से कहता है कि वो बहुत ही खुश है कि उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड है। इस बात पर ब्रायन कुछ भी आंसर नहीं देता और वो फिर से खेलने लगता है। थोड़ी देर में वहां पर एरियल आए, उसे बताता है कि तुम्हारे बच्चे बहुत ही अच्छा बेसबॉल खेलते हैं। नेक्स्ट सीन में ब्रायन के पास एक लेटर आया। ये उसके बुक के बारे में था। उसकी बुक अब पब्लिश हो गई थी। बुक पब्लिशिंग की सेरेमनी में उसे इन्वाइट किया गया था। ये बात वो जाकर एरियल को बताता है। एरियल भी देखकर बहुत ही खुश होती है। उसे कहती है कि तुम अब बहुत आगे बढ़ोगे। ब्रायन उसे इस सेरेमनी के लिए इन्वाइट करता है, पर ये 7 बजे की बात थी। वो उसे मना कर देती है क्योंकि वो लोग सिर्फ 5 से 7 बजे के बीच में ही मिल सकते हैं। नेक्स्ट सीन में अपनी सेरेमनी में आया हुआ था। वहां पर एरियल अपने हस्बैंड के साथ आई थी। साथ में ब्रायन के मॉम डैड भी आए हुए थे। यहाँ ब्रायन के डैड पर बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि थोड़ी दूरी पर एरियल उसके हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी। ब्रायन को सेरेमनी में कॉन्ग्रेचुलेट किया गया। इसके बाद जेन उसे मिलने के लिए आती है, कहती कि उसके बॉस को उसका काम बहुत ही पसंद आया, उसे मिलना चाहता है। वो फिर उसे अपने साथ लेकर गई। बॉस उसे और एक नॉवेल लिखवाना चाहता है, जो बहुत बड़ी डील थी। ये ब्रायन के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। इन सब बातों पर ब्रायन का ध्यान नहीं था। जेन उसे पूछती कि हुआ क्या है। वो कहता है कि एरियल वैलरी के साथ आई है। जेन उसे कहती कि तुम्हें कूल रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर इस मीटिंग पर डिपेंड करता है। वो दोनों ऊपर जाते हैं और जेन के बॉस से मिलते हैं। ये मीटिंग बहुत अच्छे से हुई और जेन भी इससे बहुत खुश थी। नेक्स्ट सीन में ब्रायन के पेरेंट्स उसे छोड़ने के लिए जाते हैं। उसके डैड उसे फिर से समझाने लग जाते हैं। उसकी मॉम उसे बचा लेती है। वो एक बहाना बनाकर कार से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो कुछ सोचने लग गया और इसके बाद वो जेन को कॉल करता है। उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई ऐसा ज्वेलरी शॉप पता है जो एरियल को बहुत पसंद आएगा। वो उसे एक एक्सपेंसिव ज्वेलरी शॉप के बारे में पूछ रहा था। जेन कहती कि मुझे एक पता है, पर शायद तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। ब्रायन उसे कहता है कि मेरे पास $6,000 है। ये उसकी बुक के लिए उसे मिले हुए थे। उसे एक शॉप का एड्रेस बताती है और इन $6,000 से वो एरियल के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी रिंग बाय करता है। नेक्स्ट डे वो एरियल से मिला। उसे कहता है कि आज मुझे जरा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। इसके बाद उसने उसे प्रपोज किया। कहता है कि हमेशा के लिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उसने उसे रिंग दी और कहा कि प्लीज मुझे अपना हस्बैंड बना लो, मैं तुम्हारे बच्चों का भी स्टेप डैड बनना चाहता हूँ। एरियल इस बात के लिए उसे मना कर देती है क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है। ब्रायन उसे मनाने लगता है। एरियल उसे कहती है कि बात ये नहीं है कि उसके बच्चों का स्टेप डैड बन सकता है या नहीं, एक्चुअल में बात जरा कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ब्रायन उसे कंटिन्यूसली मना रहा था तो फाइनली इस बात के लिए वो मान जाती है। इसके बाद वो दोनों हग करते हैं। ब्रायन पूछता है कि क्या 5 बजे। एरियल कहती कि हम 4 बजे मिलते हैं और वो कल सूटकेस भी लेकर आएगी। वो दोनों बहुत ही खुश थे। जब ब्रायन पैकिंग कर रहा था तभी उसके अपार्टमेंट के बाहर वैलरी आता है। उसे अंदर इनवाइट करने के लिए कहता है। अंदर आने के बाद उसने ब्रायन को पंच किया। उसने कहा कि मैंने तुम्हें अपने घर पर इनवाइट किया था और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। ये कहने के बाद उसने उसे $250,000 का चेक दिया।
ये चेक इसलिए था ताकि ब्रायन एरियल को एक परफेक्ट लाइफ दे सके। इसके बाद वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे ब्रायन उसी होटल में गया। वहां एरियल उसके लिए एक नोट छोड़कर गई थी। वो अंदर जाता है पर वहां पर उसे एरियल नहीं मिलती। वो फिर उसका नोट पढ़ता है। एरियल ने इस पर लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था उसी मोमेंट से मैं तुमसे प्यार करने लग गए। मुझे वो हर पल याद है जो हमने साथ बिताए थे। जो उसके साथ फील कर रही थी यही चीज उसने बहुत सालों पहले वैलरी के साथ भी फील की थी। वैलरी ने फिर उसे प्रपोज किया था और उन दोनों ने हमेशा साथ में रहने की कसम खाई थी। अब एरियल को रियलाइज हुआ था कि प्रॉमिस वो तोड़ नहीं सकती। वो वैलरी और अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती। उस नोट में ये भी लिखा हुआ था कि अब वो उसे कॉन्टेक्ट ना करे। ब्रायन को अपनी रिंग भी मिल जाती है और वहां से वो जाने लगता है। उस रिंग को उसने वहां के वर्कर को दे दिया। वो कहता है कि ये रिंग तुम एरियल को दे देना जब वो फ्राइडे यहाँ पर आएगी। इसके बाद वो वहां से चला जाता है और बहुत ही सैड था। वहां से जाते वक्त उसे एरियल मिलती है जो उसे इग्नोर कर देती है। वो फिर अपने घर चला जाता है। एक दिन जेन उसके पास आई। वो जेन से एरियल के बारे में पूछता है जिस पर वो कहती है कि उसे नहीं पता कि वो कैसी है। ब्रायन पूछता है कि तुम्हें उसके बारे में क्यों नहीं पता। जेन कहती कि मैंने उसके साथ रहना छोड़ दिया है। वो नहीं चाहती थी कि एरियल की वजह से उसकी जो ब्रायन के साथ फ्रेंडशिप है उसमें कोई प्रॉब्लम आए। वो फिर उसे कुछ कहने के लिए कहती है। जेन और वो अब दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। ब्रायन भी फिर से अपने काम पर फोकस करने लग जाता है। कुछ दिनों बाद जेन ब्रायन की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे कुछ सरप्राइज देने के लिए लेकर जा रही थी। उसे एक बुक शॉप पर लेकर आती है। उसने उसकी पट्टी हटाई तो देखता है कि उसकी बुक अब पब्लिश हो चुकी है। उस बुक का नाम द मरमेड होता है। ये उसने एरियल को याद कर ही लिखी थी। ये देखने के बाद ब्रायन के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता। जेन उसके लिए बहुत ही एक्साइटेड थी और उसे सेलिब्रेशन करने के लिए लेकर जाती है। उनके जाने के बाद वहां पर एरियल आए। उस बुक को देखती है। इसका नाम मरमेड था। वह देखकर बहुत ही खुश थी और स्माइल करती है। इसके बाद मूवी में कुछ साल बीत गए थे। हम ब्रायन को देखते हैं जिसकी शादी किवा नाम की लड़की से हो गई थी और उनका एक बेटा भी था। वो साथ में बहुत खुश थे और रास्ते से जा रहे थे। आगे बढ़कर वो एरियल को देखता है। उसे देखकर वो बहुत ही खुश था। एरियल अपने हस्बैंड वैलरी और अपने बच्चों के साथ थे। उसके बच्चे भी अब बड़े हो गए थे। यहाँ वैलरी ब्रायन से मिलता है। ब्रायन भी एरियल से मिला। एरियल ने उसे कहा कि मुझे तुम्हारी बुक मरमेड बहुत ही अच्छी लगी। वैलरी कहता है कि तुम्हारी हर एक बुक को हम पढ़ते हैं, वो सारी बहुत ही अमेजिंग होती है। वो उसके फैमिली से मिलकर बहुत ही खुश थे। यहाँ एरियल ने ब्रायन को उसकी रिंग वापस की जिससे उसने उसे प्रपोज किया था। आज तक उसने पहन कर रखी थी। ये देखकर ब्रायन को बहुत अच्छा लगता है। अब उनका जाने का टाइम आ चुका था। दोनों फैमिलीज अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ब्रायन अपनी लाइफ के साथ खुश था और उसे फर्क नहीं पड़ता कि अब वो फिर से मिलेंगे या नहीं। उसे इस बात की खुशी थी कि एरियल अब तक उसे भूली नहीं है। उसने उसके प्यार की निशानी को अब तक संभाल कर रखा था। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारे मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दोनों मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।